वेलकम बैक टू रॉयल गेम्स। आप सभी लोग का स्वागत है हमारी आज के एक और नई बेहतर इन माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग चालू करने वाले गाइस अपनी वन ब्लॉक सीरीज, और गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हमें। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी वन ब्लॉक वाले वर्ल्ड में, और गाइस आप लोग देख रहे हो बस अभी तो एक ही ब्लॉक है और इसको तोड़ तोड़ के हमें दूसरे दूसरे ब्लॉक कलेक्ट करने हैं। तो गाइस इधर देखो क्या लिखा है, ब्रेक द ब्लॉक बिलो यू। तो चालू करते हैं हम तोड़ना दूसरे दूसरे ब्लॉक्स को। हमें गाइस हमारे वर्ल्ड का पहला वुड मिल चुका है, और थोड़ा रेंडर डिस्टेंस कम कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो गाइस अभी वुड तोड़ते हैं और बेसिक टूल्स बनाते हैं जितने हम लोग टूल्स वगैरह बना सकते हैं। ओके हमारी चेस्ट मिल चुकी है, वर्ल्ड की पहली चेस्ट भाई। अब गाइस मैं इसको तोड़ के थोड़ा सा गाइस ग्राउंड को एक्सटेंड कर देता हूँ। जो भी चीजें मिली थी मैंने सब ले ली है, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, सही रहेगा ताकि मैं गिर ना जाऊं। ओके गाइस तो हमें काफी वुड मिल चुका है, तो मैं इसे गाइस एक क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ मेरे खुद के लिए। तो मैं ये इधर एक गाइस क्राफ्टिंग टेबल बना लिया हूँ, और इधर हम डाल देते हैं और थोड़े से स्टिक्स बना के मैं बेसिक टूल्स बना लेता हूँ जैसे कि मेरे को चाहिए। बस एक गाइस बेसिक टूल में बस हमें एक ही चीज चाहिए होती है जो की होती है गाइस पिकैक्स। तो अभी स्टोन आएगा तो मैं आराम से माइन वाइन कर पाऊंगा। और गाइस मैंने रियलाइज किया कि गाइस मेरे को एक ये भी बना देना चाहिए था ताकि मैं जल्दी जल्दी वुड वगैरह तोड़ सकूं। ओके तो गाइस हमें हमारी वर्ल्ड का पहला एनिमल मिल चुका है। तो हमें गाइस हमारे वर्ल्ड का पहला, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे लिए भी जगह बनाएंगे हम, रुक जा थोड़ा सा। राजा भाई इस साइड पे आजा, आजा बेटी जाओ जाओ उस साइड पे जाओ, हमें माइंड कर जाओ यार। ओए नहीं गिरना मत जाना भाई, गिर मत जाना गलती से। हमें जितना ग्रास ब्लॉक मिलता है उतना ग्रास ब्लॉक में ले लूंगा। ओ चेस्ट मिल गई भाई, चेस्ट में सैपलिंग्स और ये वो मिला है हमें, चलो उसको बाद में लगा देंगे हम लोग, खाने के लिए हमें वो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस हमें काफी डर्ट मिल चुका है, तो इधर से मैं और एक्सटेंड वगैरह कर सकता हूँ। तो गाइस हमें एक्सटेंड कर दिया मैंने, और अब गाइस मैं फेंस वगैरह बना देता हूँ। फेंस कैसे बनाते हैं, ओके हमें चाहिए स्टिक्स, हम ये स्टिक्स बना लेते हैं थोड़ी सी। तो आ चुके हमारे पास स्टिक्स, और जितने भी फेंस ले सकता हूँ मैं बना देता हूँ फटाफट से। तो गाइस हमारे पास आ चुके इधर काफी सारे फेंस, तो अब हमें इधर ऐसे ऐसे करके लगा देता हूँ, और इसमें हमारी प्यारी सी प्यारे से पिक को डाल देता हूँ। गिर मत जाना यार, गलती से भी गिर मत जाना, जाओ 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 अंदर जाओ। ओके तो हमारा पहला एनिमल को हमने ट्रैप कर दिया उधर अंदर ही। ब्लॉक्स लाइक ग्रेवल फॉल डाउन, ओके तो हमें गाइस इसके ऊपर नहीं खड़े रहना। ओके गाइस तो हमें पानी का बकेट मिल चुका है, और आई डोंट नो पानी का बकेट किसके लिए दिया है, हमें संभाल के ही यूज करना पड़ेगा जो भी यूज करूंगा। ग्रेवल नीचे गिर तो जा रहा है, ये तो बात है भाई, हमें संभाल के करना पड़ेगा। और उधर से ओ ये क्या था भाई, ओ क्लॉक्स मिल रहे हैं और टॉर्च मिली है हमें, एक टॉर्च मैं लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ रहेगा अगर मैं टॉर्च लगा दूंगा। मेरे को लग रहा है इधर नीचे से अब गाइस कोई एनिमल आने, ओए व्हाट, ओके अपग्रेड इन, ओके सब गाइस आई थिंक सो नेक्स्ट बायोम आएगी हमें हमारे पास, 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, और गाइस आई थिंक सो नेक्स्ट बायोम आ चुकी है हमारे पास, प्लेन बायोम है गाइस। ये दूसरा फेज आ चुका है, फर्स्ट फेज आ चुका है गाइस, तो ये प्लेन बायोम में हम लोग आ चुके हैं। और गाइस इधर हमें डर्टी डर्ट मिलने वाला है, तो गाइस इधर हमें मेलन्स भी मिल चुके हैं, और गाइस काफी सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं हमारे पास। काम करते हैं गाइस अब है ना, ये वुड को मैं सब ले लेता हूँ, और गाइस इसको मैं बनाना चाहता हूँ स्लैब्स में, चारों तरफ वुड के स्लैब्स डालना चाहता हूँ मैं। तो ये वाला हमें क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगा, ओके हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है। और डर्ट इधर डर्ट लगाने का मतलब काम ही नहीं है, एक काम करता हूँ इधर मैं सीधा यही लगा देता हूँ, और ऐसा सभी साइड पे गाइस मेरे को लगाने का मन हो रहा है, तो मैं लगा देता हूँ फटाफट से। ओके गाइस तो मैंने बना दिया है इधर, और गाइस अब मैं एक एक प्लैंक चारों साइड पर लगा देता हूँ, तो अच्छा लगे, डेकोरेटेड लगे थोड़ा सा हमारा माइनिंग एरिया। ये वाले ब्लॉक्स भी तोड़ने पड़ेंगे मेरे को, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के फटाफट से लगा देता हूँ मैं। तो गाइस मैंने डेकोरेट कर दिया हमारे एरिया को, अब फिर से गाइस माइनिंग चालू करते हैं। तो गाइस इधर हमें एक यूनिक सा ब्लॉक वुड मिल चुका है, बर्ड्स का ब्लॉक मिल चुका है, और गाइस मेरे को एक फार्म एरिया भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें पानी भी मिल रखा है। ओके गाइस एक और एनिमल आ चुका है, हमारा एक और एनिमल आ चुका है, तो इसको भी अंदर डालेंगे हम। जाओ भाई जाओ, अरे नहीं यार उस साइड पे नहीं, इस साइड पे जाओ, फिर मत जाना भाई गलती से। इसको मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या, हाँ गाइस आई थिंक सो मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस जगह को, इस जगह को भी गाइस मैं अच्छे से बना लेता हूँ, काम करता हूँ।
ओके तो गाइस मैंने इन दोनों को ट्रैप कर दिया है अंदर, और इधर थोड़ा बहुत बाकी था मैंने इसको भी कर देता हूँ। और गाइस मेरे को अब लगाना है सैपलिंग, तो इस सैपलिंग को मैं इधर लगा देता हूँ। और एक और सैपलिंग के लिए गाइस मैं जगह बना देता हूँ फटाफट से, मतलब वो जगह हमें कैसे इधर ही डाल देता हूँ। और एक सैपलिंग पे काम कर रहा हूँ, आई थिंक सो ग्रो हो जाना चाहिए। तो लेट्स होप कि गाइस ग्रो हो जाए और गाइस फिर से माइनिंग चालू करते हैं। और गाइस एक और एनिमल, लेट्स गो भाई, एक और एनिमल मिल चुका है हमें, हमारा इस वर्ल्ड का तीसरा एनिमल है हमारा। इनको खोलते हैं। गौ माता तुम भी अंदर आ जाओ। ओके गाइस हमें गौ माता को भी हमने डाल दिया है केज के अंदर। अब हमें गाइस फिर से माइनिंग ही चालू करना पड़ेगा। ओके गाइस तो हमें चेस्ट मिल चुका है इधर, हमें लेदर और सब सीड्स वगैरह मिला है, तो सीड्स भी हम गाइस ग्रो करवाएंगे, इसके लिए अलग से मेरे को फार्म बनाना पड़ेगा। ओ गाइस शिप मिल चुकी है हमें, शिप को भी हमें ट्रैप करना पड़ेगा क्योंकि और एक शिप आएगी तो उससे हम पूल लेके बेड बना लेंगे खुद के लिए, और वो काफी सही रहेगा। तो गाइस काफी देर माइन करने के बाद हमें हमारी मुर्गी मिल चुकी है। और गाइस इस वर्ल्ड में मैं सभी एनिमल को स्टोर करके रखने वाला हूँ, ताकि गाइस भाई मैं अगर मर भी गया तो गाइस मेरे पास कुछ तो मतलब मेरा प्रोग्रेस रहे। चिकन को हम सीड की जरिए से अंदर लेके जाएंगे, मोर बेटर एंड इजियर है भाई। गाइस वो बाहर निकल गया भाई, तू चल भाई, तेरे को किसने बोला बाहर निकलने के लिए। अरे भाई ओके गाइस तो मैंने सबको फिर से ट्रैप कर दिया है, अब फिर से गाइस माइनिंग चालू करते हैं। ओए एक और गाइस हमारा पिग मिल चुका है, और इसको हम अभी इधर ही रहने देते हैं। और क्या भाई अभी उधर मैं डालने जाऊँ, ओए हमें चेस्ट भी मिल चुका है तो तू उधर चले जा थोड़ी देर के लिए। और हमें गाइस खूब सारा लेदर मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अरे हम लोग कौन से बायोम में, प्लेन बायोम में ही होंगे आई एम श्योर, अभी तक बेडरॉक आया नहीं तो हम लोग गाइस प्लेन बायोम में ही होंगे। गाइस एक और एनिमल आ चुका है, दो एनिमल आ चुके हैं गाइस चिकन, चलो बढ़िया, उनको ऐसे ही घूमने देते हैं अभी के लिए, तो बाद में हम फार्म को एक्सटेंड कर लेंगे ना, तब उनको और जगह दे देंगे हम। तो गाइस अब बारी आ चुकी है गाइस फार्म को एक्सटेंड करने की, और फार्म को एक्सटेंड करने के लिए इधर से ही करना पड़ेगा हमें, ऐसे ऐसे करके मैं और बढ़ा देता हूँ फटाफट से। ओके तो गाइस मैंने फार्म को एक्सटेंड कर दिया, और इस सैपलिंग को मेरे को इधर लगाना चाहिए ऐसा लग रहा है, तो मैंने फार्म को एक्सटेंड कर लिया है। इनको इधर लेके आते हैं हम फटाफट से, और अब फेंस भी बनाने पड़ेंगे मेरे को थोड़े बहुत, तो फटाफट से फेंस बनाते हैं। तो गाइस मैंने उन लोग को तो उधर डाल दिया है, और गाइस इन मुर्गियों को मैं ब्रीड करवाना चाहता हूँ फटाफट से। ओके गाइस तो ये लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, उतनी देर हम लोग फिर से माइनिंग पे जाते हैं, और हमें एडवांसमेंट मिल चुका है। ओ भाई एनिमल पे एनिमल आ रहा है अब तो, और एनिमल आ गया, लॉल मैंने गलती से मार दिया भाई, गिर मत जाना। तो गाइस अब मेरे को देरी है गाइस कॉबलस्टोन की, सब कुछ आ चुका है, बस गाइस अब कॉबलस्टोन नहीं आ रहा, तो बस भाई मैं कॉबलस्टोन की देरी कर रहा हूँ कब माइन वाला फेज आएगा। राइट तो गाइस मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया पूरे एरिया को, और गाइस काफी समय लग गया इसको एक्सटेंड करने के लिए, मैंने वो भी नहीं बना रखा था, शॉवल भी नहीं बना रखा था, ऐसे ही गाइस मैं एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था इसलिए। चलो बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हो तो गया मतलब लास्ट में एटलीस्ट। गाइस अब मैं एक ये बना रहा हूँ अपने लिए, एक्स बना रहा हूँ, ताकि इस वुड को फटाफट से माइन कर सकूं मैं। भगम भगो
तो गाइस मेरे को अभी काफी सारे प्लैंक्स मिल चुके हैं, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इधर से बॉर्डर बना दो ताकि गिर ना जाऊं भाई मैं गलती से भी। गाइस अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से लाइक कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर। ओके गाइस तो हमारा इधर अभी फेज खत्म हो चुका है और गाइस अभी नेक्स्ट फेज आएगा हमारा, और देखते हैं गाइस हमें कौन सा नेक्स्ट फेज मिलता है। और हमारे पास काफी सारे गाइस ब्लॉक्स आ चुके हैं और काफी सारा खाना भी है हमारे पास, मेलन्स। तो अभी तो गाइस हमें सैपलिंग्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है और देखते हैं आगे क्या क्या करना है। अब आ चुका है अंडरग्राउंड। ओके तो गाइस अभी हमें कॉबल स्टोन मिलना चालू हो जाएगा तो हम कॉबल स्टोन वाले टूल्स बना सकते हैं। तो हमें रिसोर्सेज ध्यान से यूज करने पड़ेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं यूज कर सकता मैं। तो पहले तो गाइस एक पिकैक्स बनानी चाहिए मेरे को। तो ये आ गई हमारे पास पिकैक्स। तो गाइस हमें कोल मिलना चालू हो चुका है ताकि हम हमारे एरिया में ये लगा सके एटलीस्ट, और आयरन भी हमें गाइस मिल चुका है। लेट्स गो भाई। ओ गाइस हमें मशरूम बायोम है क्या भाई? ये वाली काउ मिल गई हमें। चलो भाई बढ़िया बढ़िया। एक चीज गाइस सही है कि ग्रेवल आता है तो फटाफट से वो गिर ही जाता है, मतलब हमें कुछ तोड़ने वोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो फट देखो ऐसे फटाफट से नीचे ही गिर जाता है, हमें कोई तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। गाइस हमें माइनशाफ्ट में आ गया ऐसा लग रहा है मेरे को। गाइस माइन में बस, गाइस माइनशाफ्ट में तो नहीं है क्योंकि बर्च वो लूट मतलब उधर नहीं मिलता। गाइस अब काफी रात हो रही है और गाइस अब मेरे को लग रहा है कि टॉर्चेस बना लेनी चाहिए, इतनी भी बना सकता हूँ मैं। 9 टॉर्चेस बन चुकी है मेरे पास और गाइस चेस्ट वेस्ट लगानी चाहिए मेरे को। इधर एक टॉर्च आ जाएगी, इधर एक टॉर्च आ जाएगी, जहाँ पे भी कोने दिख रहे हैं मैं सभी जगह पे टॉर्च लगा देता हूँ। तो गाइस मैंने सभी जगह पे टॉर्च लगा दिया, अब गाइस हमें खतरा नहीं है मतलब ये होने का, मरने का खतरा नहीं है भाई ज़ॉम्बीज से। ओ गाइस ज़ॉम्बी आ गए, नहीं 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 भागो 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 भागो। ओ भाई ज़ॉम्बी आ गए, यही डर था भाई मेरा, यही सबसे बड़ा डर था भाई और यही हो गया। गाइस मेरे को फटाफट से सोने वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा कुछ तो। नहीं भाई मरना नहीं है, मरना नहीं है, भागो यार तुम भागो, भगोड़ो भाई भागो। ओके एक मर गया, एक और मर जा भाई। ऑलराइट सो आई डोंट थिंक सो गाइस मेरे को माइंड करना चाहिए रात के समय पे। और गाइस आप लोग देख रहे हो मेरी कितनी हेल्थ कम करती है इन लोगों ने यार। और गाइस अब मेरे को कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना ही पड़ेगा गाइस भूल के लिए। तो एक काम करता हूँ, इन शिप्स को है ना गाइस मैं अंदर डाल देता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और मेरे हाथ में सीड्स पकड़ने पड़ेंगे ताकि मुर्गियां सब अट्रैक्ट होके इधर ही रहे भाई। चलो भाई शिप भाई तुम अंदर चलो, अंदर आ जाओ भाई। फिर गाइस क्या करूं मैं इनको? ओके ये लोग आ रहे हैं, इनको आने देता हूँ फटाफट से ना, ऐसे करके ऐसे लगा देते। ऑलराइट तो अब है ना गाइस मेरे को मन हो रहा है कि मैं इनको मार दूं भाई। चलो मर जाओ भाई मर जा। ओके हमें एक वूल मिल चुका है, और वूल लेने के लिए हमें क्या फेंकना पड़ेगा? कॉबलस्टोन नहीं फेंक सकता मैं, फेदर्स फेंक देता हूं, फेदर्स कोई काम के नहीं है। चलो तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है गांव माता जी, मतलब गाय माता तो नहीं। नहीं वूल चले गया यार, वूल नहीं मिल पाया। ओके मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, बढ़िया बढ़िया। तीन वूल हो गया हमारे पास, अब इनको भी मारते हम और इनका भी वूल लेते हैं फटाफट। तो गाइस इनका भी हमने अब वूल ले लिया है, तो अब हम गाइस बेड बना सकते हैं फटाफट से। मैं बेड बना देता हूँ और सो जाता हूँ। तो गाइस मैं सो के उठ चुका हूँ और गाइस मेरा बेड हवा में लटक रहा है क्योंकि मैंने नीचे स्लैब्स लगाए थे ना। और गाइस अब मेरे को लग रहा है कि गाइस मेरे को एक चेस्ट बना लेनी चाहिए, और चेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, काफी सारी हमारे पास चेस्ट पड़ी है। वही क्या है अंडरग्राउंड चेस्ट? मतलब क्या होता है भाई अंडरग्राउंड चेस्ट? मेरे पास ये अलग से कोई चेस्ट है, इसमें क्या हम स्टोर कर सकते हैं क्या कुछ? कर तो पाएंगे आई थिंक सो। ये अलग अलग चेस्ट है गाइस, मैंने नोटिस किया अलग अलग चेस्ट है कोई तो, कौन सी भी टाइप की चेस्ट हो भाई। मैं तो फटाफट से लगा दे रहा हूँ जितनी भी चेस्ट मेरे को मिल चुकी है अभी तक। ओके इसमें यही चेस्ट डाल लेता हूँ फिर से, और जो भी सामान है मैं अभी के लिए सब डाल रहा हूँ, बस माइनिंग का सामान लेके रख रहा हूँ और कॉबलस्टोन लेके रख रहा हूँ ताकि मैं एक फर्नेस भी बना सकूँ फटाफट से। ये भी ले ही लेता हूँ भाई, और वुड ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, खाने का सामान भी चाहिए हमें, इसको स्मेल्ट कर दूंगा मैं उसमें। और ये वुड चाहिए हमें, और पानी का बकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस इधर तो एक हमारा ऑलरेडी क्राफ्टिंग टेबल है ही है, बट गाइस मैं सोच रहा हूँ कि उधर भी एक क्राफ्टिंग टेबल बना के रख दूं ताकि अगर उधर भी कुछ काम आए तो मैं फटाफट से कुछ ना कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ मतलब। तो अब इधर भी क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है, तो इसमें फर्नेस बना देता हूँ फटाफट से, जैसे बना सकता हूँ वैसे बना देता हूँ। तो मैंने दो फर्नेस बना दिए है अपने लिए, ऐसे दो ऊपर भी रख दिया है, और अब मैंने आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, और आयरन स्मेल्ट होता है उतनी देर में। तो गाइस ये तो था पार्ट वन, और गाइस अभी पार्ट टू भी आएगा इसी सीरीज का, तो गाइस स्टे ट्यून रहना उसके लिए। तो ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय बाय।